एकवचन का होता है तो क्रिया भी एकवचन की होती है, या उसमें यस या यस जुड़ जाता है तभी वो एकवचन बनता है। ओके, अगर बहुवचन का है तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका सीधी उसमें हम अप्लाई कर देते हैं, उसमें कोई चेंज अप नहीं करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, अब ये लिख लियो, समझ रहे हो कि इसमें ठीक। तो रिया खाना पकाती है, बोलिए जल्दी फटाक से। रिया कुक्स फूड। हाँ, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है तो रिया कुक्स फूड हो जाएगा। चलिए, रिया कुक्स फूड। सोहन विद्यालय जाता है, सोहन विद्यालय जाता है तो सोहन भी क्या है, एक वचन क्या है, एक वचन का है, एक वचन का करता है, तो क्या करेंगे हम उसमें यस या यस जोड़ देंगे, किसमें, वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, सोहन गोज टू स्कूल स्कूल। ओके, ये हम मैच खेलते हैं तो हम खेलते हैं, वी का मतलब हम लोग हो गए, बहुत से लोग हैं, क्या बहुवचन का करता है तो वी के साथ हम क्या करेंगे अब, हाँ वी के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया जो है केवल अपना ही ऐसे का ऐसा आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कुछ जुड़ेगा भी नहीं, क्या हो जाएगा, बी प्ले ए मैच, बी प्ले मैच। ओके, ये तो ऐसे ही कर देते हैं, ए का कोई इंडिकेशन नहीं होता लेकिन शो करता है कि आप कोई मैच खेल रहे हैं तो एक ही मैच तो होगा है। चलिए, क्या हो गया, आप देखिए हम आपको दे रहे हैं ये, इसमें कुछ एरर होगा, सेंटेंस देंगे उसमें गलत होगा, उसको सही कीजिएगा तभी आपको पहचान होगा। जैसे हिंदी में तो समझ गए जिस वाक्य अंत में ता है ती है ते हैं, इंग्लिश में भी समझ गए कि जब कर्ता जो है उसके अनुसार ही क्रिया लगेगी, जब जब कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, या कर्ता जब एकवचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, एकवचन की होगी। और ये फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, जब इनडिफिनिट का बात होता है तो केवल ये फर्स्ट फॉर्म में ही एस या एस लगता है, इसमें कोई दूसरा सेकेंड या थर्ड नहीं आता है, ठीक है, ये अगर आपका प्रेजेंट इनडिफिनिट होता है। तो अगर मान लीजिए हम दे दिए कि देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक विद द करेक्ट विथ द करेक्ट करेक्ट फॉर्म, फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए ऐसे आते हैं कभी कभी, इसको इंग्लिश में ही होता है, ये इंग्लिश का है, जैसे CBSE बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं या इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, बट आप लोग NCERT के हैं बच्चे तो इसमें हिंदी में देखिए, तो इसमें क्या हो गया, देखिए जैसे मैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्रिया का सही रूप भरना है, क्रिया का सही रूप भरना है, क्योंकि हम आपको केवल आपका प्रेजेंट इंडिफिनिटिव दे रहे हैं, इसमें आपको सही रूप भरना है, इसमें पसंद करिए। देखिए मान लीजिए हम दे रहे हैं आपको द कारपेंटर, कार पेंटर कार पेंटर